अगर आपने भी बचपन में कभी ना कभी ये सोचा है कि काश मेरे पास भी संजू की तरह मैजिक पेंसिल होती तो मैं उससे ये करता, उससे मैं वो करता, अगर आपने भी बचपन में ये सोचा है तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो। पता चलना चाहिए यार बचपन में कितने लोग सेम सोचते थे। तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग 13 फैक्ट्स बताने वाला हूँ शाका लाका बुम बुम के बारे में। तो गाइस ये वीडियो पूरी आखिर तक देखना, और जो इसमें नंबर 6, नंबर 9 और नंबर 13 वाला फैक्ट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, मतलब ढूंढ ढूंढ के फैक्ट्स निकालने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो गाइस ये वीडियो पूरी आखिर तक आपको देखनी है। सबसे पहला फैक्ट दोस्तों ये है कि हम स्टार प्लस पे देखा करते थे शाका लाका बुम बुम, लेकिन दोस्तों आप में से बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि शाका लाका बुम बुम की ओरिजिनल सीरीज जो है वो डीडी नेशनल पर आती थी पहले, जिसके अंदर हमें जो यहाँ पर स्क्रीन पर एक्टर दिख रहे हैं वो मेन रोल प्ले किया करते थे और मैजिक पेंसिल बिल्कुल ऐसी दिखा करती थी। दोस्तों जो ओरिजिनल डीडी नेशनल की सीरीज थी शाका लाका बुम बुम की, उसके केवल 30 एपिसोड बने थे और वो 15 अक्टूबर 2000 से लेकर 6 मई 2001 तक टेलीकास्ट हुई थी डीडी नेशनल पर। फैक्ट नंबर 3, शाका लाका बुम बुम जो रिटन और डायरेक्टेड बाय है वो है विजय कृष्णाचार्य, जो कि एक डायरेक्टर और एक राइटर है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उन्होंने ही धूम 3 और ठग्स ऑफ हिंदुस्तान जैसी दो फिल्में भी बनाई हैं। दोस्तों फोर्थ फैक्ट ये है कि जो ओरिजिनल संजू था वो किंशुक वैद्य नहीं है, हमने किंशुक वैद्य को ही संजू के रोल में देखा है, लेकिन विशाल सोलंकी जो एक्टर है वो है असली संजू शाका लाका बुम बुम के, और उनको आपने बहुत सारे सीरियल्स में देखा होगा जैसे कि फैमिली नंबर 1, हुकुम मेरे आका। और दोस्तों हुकुम मेरे आका किस किस को याद है सीरियल, जल्दी से कमेंट में जरूर बताना। शाका लाका बुम बुम के बाद संजू यानी कि एक्टर किंशुक वैद्य ने कम बैक किया था, जो 2016 में कम बैक किया, ये है आशिकी, एक रिश्ता साझेदारी, प्यार ने क्या किया इन सीरियल्स के साथ। छठा फैक्ट दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है और बहुत ही हम लोगों को पता होगा, आपको याद होगा रितु का कैरेक्टर जो कि टाइटल ट्रैक में भी है रितु लड़ाकू, तो गाइस ये रोल प्ले किया था सैनी राज, एक्ट्रेस हैं जो कि और स्क्रीन राइटर भी हैं, और इन्होंने बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस में भी काम किया है जैसे कि ऑल इंडिया बकचोद, फिल्टर गोपी, द वायरल फीवर, SNG कॉमेडी, ईस्ट इंडिया कॉमेडी, तो इनकी वीडियोस में ये एक्ट्रेस काम करती हैं। जी हाँ दोस्तों आपको रितु का कैरेक्टर याद होगा और आपने इनको कई बार देखा भी होगा, और यहाँ पर आप एक स्नैपशॉट देख रहे हैं जिसमें कि उनका आप यंग रूप देख रहे हैं, तो अब बिल्कुल वो ऐसी दिखती हैं। और अगर आप उनकी वीडियो देखना चाहते हो तो ये फिल्टर कॉपी के चैनल पर आपको एक वीडियो के बारे में सर्च करना है, हाउ आई फेल इन लव, या फिर आप सैनी राज फिल्टर कॉपी भी सर्च कर सकते हो तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी और आप देख सकते हो कि बचपन में हमने जिस रितु को देखा था वो अब कैसी दिखती हैं। सातवां फैक्ट, करुणा यानी के हंसिका मोटवानी अभी तक दोस्तों 40 से ज़्यादा हिंदी और साउथ इंडियन लैंग्वेज की फिल्मों में काम कर चुकी है, जो कि एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। आई थिंक शाका लाका बुम बुम के जितने भी एक्टर थे सबसे मतलब जो बड़ा नाम है वो हंसिका मोटवानी का ही बना है। आठवां फैक्ट, शाका लाका बुम बुम की जो IMDB रेटिंग है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है वो है 7.6, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेटर है आजकल के सीरियल से, मतलब जो आजकल के सीरियल्स आते हैं उनसे। टीटो कैरेक्टर तो आपको याद ही होगा, टीटो को मिलता है हर एग्जाम में लड्डू, तो ये जो कैरेक्टर था ये प्ले किया था मधुर मित्तल ने, और दोस्तों यहाँ पर बहुत ही कम लोगों को पता होगा, मतलब मुझे भी नहीं पता था ये इफेक्ट, तो मैं भी सुन के हैरान हो गया कि ये जो 1997 में बूगी वूगी के विनर रह चुके हैं। जी हाँ दोस्तों आप में से आई थिंक शायद ही किसी को ये बात पहले से पता हो। दसवां फैक्ट, टीटो का रोल प्ले करने वाले एक्टर मधुर मित्तल वर्ल्ड वाइड अपनी पहचान बना चुके हैं 2008 में आई फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर में। ग्यारहवां फैक्ट, शाका लाका बुम बुम के टोटल जो एपिसोड बने थे वो बने थे 491, जो कि बहुत ही ज़्यादा होते हैं उस टाइम के अगर सीरियल्स की बात करें, और इसके टोटल 4 सीजन्स आए थे। बारहवा फैक्ट दोस्तों आप में से बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि स्टार प्लस के बाद शाका लाका बुम बुम की सीरीज स्टार उत्सव, डिस्नी चैनल इंडिया, डिस्नी XD, हंगामा TV चैनल्स पर बहुत बार री टेलीकास्ट हो चुकी है। तेरहवा फैक्ट दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, शाका लाका बुम बुम में संजू और जो सोन परी की फ्रूटी थी वो काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स थे, वो कैसे फ्रेंड बने ये चीज़ देखना चाहते हो तो आप शाका लाका बुम बुम के एपिसोड 14 देख सकते हो, जिसमें कि जो संजू होता है वो ऑनलाइन चैट रूम में फ्रूटी से मिलता है और वहीं से उनकी दोस्ती शुरू होती है, जैसा कि आप यहाँ पर स्नैपशॉट में देख सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा और भी एपिसोड है जिनमें संजू सोन परी की फ्रूटी से मिलता है, और आप में से काफ़ी लोगों को याद भी होगी ये बात। तो और दोस्तों अब सवाल आता है कि अब ये मैजिक पेंसिल कहाँ है। वैसे तो यार ये मैजिक पेंसिल जो थी फिक्शनल थी, लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, अगर मान लो ये पेंसिल रियल में होती और
आज आपके पास होती तो आप इस पेंसिल से क्या करते, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताना। बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा देखना कि आप लोग क्या क्या करते इस मैजिक पेंसिल की मदद से। फटाफट से कमेंट करके आप अपने जवाब जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और इसी तरह की वीडियोस के लिए अभी तक भी आपने बॉलीवुड टॉक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे ही लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसके साथ है बेल आइकन, दोनों को जरूर प्रेस कर दें ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाएं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।